बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब जी? जनाब, उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी ठीक हूँ। बुखार अल्लाह का पाक का शुक्र है अब कम हुआ है। एक डोज अभी पड़ी हुई है। सुबह मैंने जाते हुए ना मामा की तरफ ना एक डोज ले ली थी दोबारा। मैंने कहा चले ना हो जाएगी तबीयत, ज़रा मेरी सेट हो जाए। आज टाइम काफ़ी हो गया इस ना कि बाबा ना अभी नहीं आए काम पे ही हैं अभी, और इस ना जो है वो सो गई हुई है। उसका टाइम टेबल अपना मुकम्मल है। वो जनाब अपने टाइम के साथ तकरीबन 8-8:30 बजे ना उसने सो जाना होता है, तो वो ना सो गई हुई है। ये देखें, आज मैंने ये खुद मेहंदी लगाई है, इस हाथ पे भी खुद मेहंदी लगाई है और दूसरे पे भी दिखाती हूँ, इस पे भी, दोनों पे खुद ही मेहंदी लगाई है। देखे कैसी लग रही है, प्यारी लग रही है ना, मुझे बताना है आप लोगों ने। आज जब इस ना के पापा ना लेट हो गए हैं, मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले अपना प्रैंक रेडी कर लें। उनके साथ आज फिर होने लगा है एक प्रैंक। मैं ना प्रैंक आपको बताती हूँ, साथ साथ उसकी तैयारी करती हूँ, साथ साथ आपको ना मैं बताती हूँ फिर, ठीक है जी? गाइस, तो हमने पट्टी पुट्टी का सामान अपना इकट्ठा कर लिया है। ये रुई वगैरह पड़ी हुई थी पहले, ये पट्टी भी पड़ी हुई है, और जी जनाब ये पायोडीन भी पड़ी हुई थी घर में ही। आपको पता तो है फरहान की चोट लगी थी, तो तब ये सारी चीज़ें मैंने लेके आई थी। ये वाली पट्टी है ना पड़ी हुई है, अच्छी बात है ना, ये चीज़ें सारी घर में होनी चाहिए। तो जनाब मैं क्या चल पट्टी छट्टी कर ला, उन्होंने कोई भी पता नहीं उन्होंने कदों आ जाने कदों ना आन, ये ना हो पट्टी कर दे के आ जाने, तो साड़िया ला गए दौड़ा इन्हें पहले कि वो आन, तो वह छेती छेती पट्टी कर लो एक मिनट बस। जी जनाब पट्टी तो आप करन लगे तो आ पायोडीन रूम खरा बोती लै गए ताकि लगे तो सही होना, सट लगी आ बुढ़ी उन्होंने दे। बस उन्होंने डर जाना है एक बारी कि आ की हो गया, उदन तो नहीं ना डरे मेकअप ना, आज डर जाना उन्होंने। देख दे कितने खिलाई इतने सही है, मैं कहनी आ पाऊंगी आ वाली जगह से इधर इधर लगा लेते हैं। और ये इसके ऊपर भी लग गई पायोडीन। चल भी बंदिया आज तेरी खैर नहीं, आज तो डरिया ही डरिया, तू बंदर ने भी सिरा डरिया, आज डरेगा तू। अज ना आप उन्होंने जरा भी शक नहीं होन देना, जरा जिन्ना भी शक नहीं होन देना के ना सट नहीं लगी। बस मेरी हम पट्टी जड़ी है ना वो सही सलामत हो रही है, एक मिनट पहले क्यों छेती छेती पेटी हो गए। जनाब गाइस अपनी पट्टी हो गई जे, ये देखे पट्टी मैंने कहा जी गाइस, तो पट्टी छट्टी मेरी हो गई है, ये देखे पट्टी हो गई है मेरी। बस ना अब चीज़ें चीज़ें मैं रख दूँ, मैं सोच रही हाँ जिते सट लगी ना वो उत्ते भी थोड़ा जहा पायोडीन लगा लूँ। इतना जारी उठ गई इतने लानी चाहिए, फस गई इतने लाई पता तो लगे खून निकलिया या नहीं, इधर लगाई है मैंने। हाँ ये अब ठीक है,
पता लगना चाहिए कि खून निकला है मेरे। बस जनाब हूँ ना जिदा ही दरवाज़ा खड़कना है अपना उन्होंने आने तो पहले पहले अपना मोबाइल वगैरह भी सैट कर लेना तो आके ना उन्होंने शक ही ना हो अज उन्होंने रिएक्शन लवेंगे उनके एक्सप्रेशन लेंगे। वैसे मेरे सट लगी नहीं तो जो मैं ना वो कर ली है ना कि नाम लेंगे पट्टी कर ली है तो मैं लगनी लगनी एवं तुर लग गई। मेरा हाल देख लो तुसी मैं मोबाइल सैट कर लवा ये तो पहले के आना तो फिर देख दे। हेलो जी गाइज क्या नाम लेते हैं मैंने कैमरा शैमरा सेट कर लिया और दरवाज़ा भी नॉक हो गया दरवाज़ा खुला हुआ है आ जाए पहले के पता लगे मैं ना मोबाइल जड़ा है ना वो पर्दे के पीछे लगो छड़े है आंदे तो देखते हैं फिर दरवाजा खुला ही हुआ है आ जाए लगी थी ना
उनको नहीं पता चला है अभी फिलहाल कि उनके साथ प्रैंक श्रैंक हो रहा है। उनको सीरियसली नहीं पता चला है अभी तक उनके साथ प्रैंक हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो भी बाहर गए हैं, कह रहे मैं पानी पी के ना आता हूँ। मैं कुछ भी नहीं, ब्लॉग बना लो। हाँ मैंने तो ब्लॉग बना लो, गाइस को भी बताऊँ मेरी चोट लगी है। चलो जो लगा उनको की मतलब जो लगा उनको। हाँ उनके कपड़ा आते हैं, मुंह बना के क्यों बैठे हैं? हम्म, टेंशन तो आपके पास मोबाइल है? आपका मोबाइल तो वो घर में बंद पड़ा हुआ है, सिम भी नहीं मिल रही है। उसका पास भी मुझे याद ही नहीं रहा है अभी, बस मैंने गाइस को भी बताया, मैंने कहा मेरे चोट लग गई है। खाना पीना कुछ नहीं, नहीं। है क्यों, क्या बनाना है फिर? मैं बना देती है। हाँ इन्नी टेंशन तो मैं नहीं, उदो नहीं ली जो थोड़े सट लगी, तुम मेरी चौखी टेंशन ले ली। खाना पीना भी कुछ नहीं है आपने? ओए लो आंखों में आंसू, सच्ची मुच्ची यार मैं प्रैंक कर रही थी, चोट नहीं लगी मेरे। आपको नहीं पता चला मैं प्रैंक आ रही हूँ तब से? बताओ तो नहीं मेरा थोड़ा तू कहते को कंटेंट वाक गया थे यार, आ गया बंदा ना काम तो आ गया अपना बंदा और पा आ गया बाहर जा टेंशन से रो पा हो जाता। ओ हाय ना जी ना रो ना जना, हाय ना जी जनाब मेरा बंदा तो इमोशनल हो गया, उन्होंने आंखा जो आंसू तो कहते मैं कुछ खाना पीना भी नहीं है। मैंने कहा नहीं जनाब, अच्छा वो तो ठीक कर रहे हैं, अब वो तो बोल भी नहीं रहे हैं, नीचे को मुँह किया और कोई नहीं बोल रहे, कोई गल नहीं ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मेरा प्रैंक इमोशनल हो गया, मैं तो कैसी डर जाएंगे वो तो बेचारे। आपको बताया तो है ये काफ़ी देर की सो गई है, इसको मैंने वैसे खाना खिला दिया, आपको वैसे ही बोल रहा मैं आपको पट्टी खोल के दिखा देती हूँ, नहीं है चोट लगी ये देखें, आपको पता नहीं चला लगी मेरे दूसरी साटा है तो बंधन में गर्म पट्टियाँ नहीं है। अच्छा मैं फटी भी नहीं गई कैसा, आय हाय 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 आय हाय हाय। अच्छा भला कौन है मेरा बल्ब फाइटिंग का लगा हुआ है, अगले आने ने एक बदला ला लेना, इन्होंने बड़े बदले में इतने उधार रह गए ने। है ओ नहीं जितना मुँह चुक दे कोई नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मूड अब ठीक आ गई आपके सामने हूँ, हड्डी कटी बस वो तो पता ही है आपको, मैं बुखार तो हुआ ही है। दरवाजा भी मैंने खुला छोड़ा हुआ था, मैंने कहीं तो जरा शक ना हो, जरा भी शक ना हो कि मेरी ना बीवी के चोट नहीं लगी, मैं कहा दरवाजा खुला छोड़ दी, आप ही आ जाएंगे, आप ही आके देखेंगे कि ये होया कि नहीं है। अच्छा A few moments later.
जी तो गाइस मैं उनका मूड अल्लाह अल्लाह करके ठीक किया है। अभी खाना खाते हैं। आज के प्रैंक इमोशनल भी हो गया बेचारे डार्पी के हैं। मिलते हैं आपको फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मैं खाना वगैरह दे दूँ इंशाल्लाह। सुबह को मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो सब्सक्राइब करना चैनलों और क्या कहते हैं वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वो थे भैया करते हुए मैं भूल गई थी। चलो ठीक है फिर गाइस अल्लाह हाफिज़।